देवास भोपाल रोड स्थित स्थानीय साइंस कॉलेज देवास में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा कॉलेज स्थानांतरण एवं कलेक्टर कार्यालय का साइंस कॉलेज में आने के विरोध में प्रेस वार्ता रखी गई। NSUI पूर्व अध्यक्ष नीरज नागर ने कहा, जो साइंस कॉलेज का नया भवन मेंढकी धाकड़ के पास बना है वह देवास शहर से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर है। वहां पर आने जाने के लिए वाहन भी नहीं चलते, ऐसे में छात्र छात्राएं कैसे जाएंगे? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कॉलेज का स्थानांतरण नहीं होने देंगे। पहले भी हम जनप्रतिनिधियों को इस विषय में अवगत करवा चुके हैं, पर अभी तक कोई भी चर्चा तक करने विद्यार्थियों से नहीं आया। जिला संयोजक विनोद राठौर पुलाया ने बताया कि देवास के जनप्रतिनिधि बड़े बड़े मंच से कहते हैं कि हम देवास में इंडस्ट्रीज, पार्क, ब्रिज और कई सौगात ला रहे हैं, लेकिन हम विद्यार्थियों को फिर क्यों शराब दे रहे हैं? साइंस कॉलेज देवास शहर की सीमा के बाहर संचालित होगा तो वह देशवासियों के लिए अभिशाप ही होगा। हम साइंस कॉलेज की जगह पर किसी अन्य सरकारी कार्यालय को यहाँ संचालित नहीं होने देंगे। अगर कॉलेज का स्थानांतरण होगा तो हम यहां अध्ययनरत सभी विद्यार्थी अपनी TC निकाल लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने चेतावनी दी कि अगर 26 मई तक प्रातः 11:30 बजे तक नहीं आए तो 12 बजे भोपाल चौराहा रोड जाम कर देंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी देवास के जनप्रतिनिधि की रहेगी। हम विद्यार्थियों से चर्चा करने कॉलेज नहीं आए तो हम रोड जाम करने जैसा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं देवास के जनप्रतिनिधियों की रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। उनको कॉलेज बिल्डिंग मिल गई है, उनकी बिल्डिंग बन रही है, हमारी बिल्डिंग टूट गई है, तो कलेक्टर साहब जगह ढूंढने के लिए अफरा तफरी मचा रहे हैं। मतलब जहाँ जगह देखी तो उनको साइंस कॉलेज दिख गया, उनको पता चल गया कि साइंस कॉलेज की बिल्डिंग शिफ्ट हो चुकी है। देखिए होता क्या है कि देवास के जो जनप्रतिनिधि कई सालों से देवास में चुनाव जीतते आ रहे हैं, ये इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए ये बातें। आज आप यहाँ पर मौजूद जितने छात्र छात्राएं हैं, अगर उनसे प्रश्न करेंगे, उनसे पूछेंगे कि मेंढकी धाकड़ ज़्यादा आसान है या देवास भोपाल चौराहा। आज साइंस कॉलेज जो हमारी शिक्षा नीति, उन्होंने बोला कि साइंस कॉलेज यहाँ से शिफ्ट होके मेंढकी धाकड़, यहाँ से मेंढकी धाकड़ दूर कितनी है पहली बात, और दूसरी बात कि हम गर्ल्स के लिए सेफ्टी क्या है? वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, वहाँ पर गाँव का ना कोई साधन चलता है ना जना। आज अगर हम बोलते हैं कि आज देवास में अगर हम कॉलेज से 4 बजे भी निकल रहे तो हमको एनी टाइम पर कोई सा भी साधन यहाँ से घर जाने के लिए आसानी से मिल सकता है, और यहाँ पर सेफ्टी है। अब वहाँ पर अगर हम इतनी दूर चले जाएंगे तो क्या सेफ्टी है गर्ल्स की? आप ही बताइए क्या सेफ्टी रहेगी? इतनी दूर जाना, इतनी दूर आना, यहाँ पर टाइम क्या? हमारा टाइम तो कुछ बचेगा ही नहीं भैया। हम सुबह 6 बजे के अगर निकले भी सही तो रात को क्या शाम को 5-6 बजे घर जाके बचेंगे? पहले तो गर्ल्स में ताकत नहीं होती, सब बोलते लूले पांगले, तो हम लोगों में ताकत क्या बचे? हमारी मांग ये है कि सिर्फ हम लोगों को यहीं पर पढ़ना है, ताकि यहाँ से दूर से गाँव से जो लड़कियाँ भी आती हैं उन लड़कियों को क्या साधन मिल जाता है। यहाँ पर अगर वो कॉलेज में आ रही है तो उसको सेफ्टी मिल जाती है। यहाँ पूरा हमारा सिटी का एरिया, अगर वो यहाँ पर आएगी तो वो एक फील करेगी कि हम देवास में हम पढ़ाई करना है, हम एजुकेशन करना है। वहाँ पर अगर वो गाँव में जाएगी तो उसको क्या एजुकेशन मिलेगी? जी मैं खुद एक स्कूल में टीचर हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मैं सुबह जाती हूँ तो वहाँ से 11 बजे से छुट्टी लेके मैं कॉलेज आती हूँ पढ़ाई करने। सर हम एडमिशन निकलवा लेंगे क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। हमने ये कॉलेज चूज किसके लिए किया था? सबसे पहली बात, ये देवास में है, हमारी खुद की सिटी में है। दूसरी चीज़, ये पास में रहता है, और तीसरी चीज़, किसी ना किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, अगर वो इतनी दूर रहेगा तो। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।